देश और विदेश में सप्लाई की कमी के कारण बांग्लादेश में चीनी की कीमतें लगातार रिकॉर्ड बनाती नजर आ रही हैं, जिसमें जिसकी वजह से स्वीटनर आधारित खाद्य पदार्थ बनाने की लागत भी बढ़ रही है। राज्य द्वारा संचालित बांग्लादेश शुगर एंड फूड इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन यानी BSFIC उपभोक्ताओं को कुछ राहत प्रदान करने के लिए चीनी सप्लाई में वृद्धि करने में विफल रहा है। राज्य के स्वामित्व वाली मिलों ने 2021-22 वित्तीय वर्ष में लगभग 24,500 टन चीनी का उत्पादन किया, जो 14 वर्षों में सबसे कम है। वर्तमान में BSFIC के पास स्टॉक में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली 2350 टन खाद्य सामग्री है, जिसे अगले महीने की शुरुआत में गन्ना पेराई सत्र की शुरुआत से पहले जारी किया जाएगा। BSFIC के अध्यक्ष का कहना है कि इस समय हम असहाय हैं, क्योंकि हमारे पास स्टॉक में बहुत कम मात्रा में चीनी है। उधर बांग्लादेश ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्तमान में चीनी की कीमत TK 110 से TK 115 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो एक महीने पहले TK 84 से TK 90 तक थी। हालांकि कुछ बाजारों में खुदरा विक्रेता 1 किलो चीनी के लिए TK 120 की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश के उपभोक्ता संघ के अध्यक्ष का कहना है कि BSFIC को बाजार को स्थिर करने के लिए अपने स्टॉक से चीनी जारी करनी चाहिए। बांग्लादेश की 25 लाख टन चीनी की वार्षिक मांग का लगभग 98% आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। ऐसे में वहां पर चीनी की काफी कमी देखने को मिल रही है, जिसके चलते कीमतों में काफी इजाफा देखने को मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।